मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 30 अप्रैल को आज दो जिलों की अपडेट आ चुकी है। साथियों दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल शाम को 29 अप्रैल को साथियों बताया था कि कल आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। किन किन जिलों का होगा वो मैंने आपको उनका नाम भी बता दिया था, तो उनमें से कुछ का पेमेंट यहाँ पर आना शुरू हो चुका है और बिल भी पास हो चुका है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। साथियों आगे बढ़े उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आपको लगता है कि भाई इस चैनल के माध्यम से आपको सही जानकारी प्राप्त होती है तो आप चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके जाना व घंटी के बटन को दबाना आप न भूलें, जिससे आपके पास जो भी अब अपडेट आए वो आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हो जो चूरू जिला है साथियों, इसका कल भी पेमेंट आया था, ठीक है ना। यानी चूरू जिले का पेमेंट साथियों रिपीट हो चुका है। क्यों? जिनका पेमेंट साथियों कल नहीं हुआ था उनका पेमेंट आज हुआ है, ठीक है ना। तो जो भी भाई बहन हैं जिनका कल पेमेंट नहीं हुआ था, तो आप अपने आज अकाउंट को चेक कर ले, आपका पेमेंट लगभग हो चुका है। और जो दूसरी न्यूज़ ये है कि जो करौली ज़िला है, ठीक है ना, करौली ज़िले का साथियों फरवरी माह का जो बिल है वो पास हो चुका है, ठीक है। और ये आपका जो पेमेंट है वो जल्दी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। मुश्किल से आप सोच सकते हो 6 या 7 दिन यानी एक वीक के अंदर अंदर आपका फरवरी माह का पेमेंट भी डाल दिया जाएगा। और साथियों मैं आपको एक अपडेट देना चाहूँगा कि जो जिनका मार्च माह का बिल पास हो चुका है ना और उनका फरवरी माह का पेमेंट कम्प्लीट हो चुका है, तो आपका साथियों मार्च का पेमेंट इसी आने वाली मंडे से पहले या मंडे के लगभग 2 या 3 दिन के बाद आपका पेमेंट श्योर है कि आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है साथियों, लेकिन एक ध्यान आपको बात ज़रूर रखना कि आपको 181 पर एक शिकायत अवश्य दर्ज करवानी है, जिससे क्या होता है कि जो आपका पेमेंट है वो पेंडिंग में नहीं जाए। कई बार क्या होता है जो पहले शिकायत दर्ज करते हैं साथियों उनका पेमेंट पहले भेज दिया जाता है, जो नहीं करते हैं उसको हो सकता है कई बार पेंडिंग में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो बजट आता है वो इतना ही आता है, ठीक है। तो आप 181 पर शिकायत ज़रूर दर्ज करें, और जो भी अपडेट आपको शाम तक या आने वाले समय में आती रहेंगी आपको पुनः बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वह चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व लाइक करें। यहाँ पर कोई समस्या है तो आप कमेंट से कर सकते हो, आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी।